प्रॉफिट काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफी सारी कंफ्यूजन भी रहती है इस टॉपिक को लेकर। सो आज सारी अपनी कंफ्यूजन को हटाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है कंसेप्ट को भी समझेंगे और कैसे निकाला जाता है विद एग्जाम्पल हम करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना फॉर न्यू मोर वीडियोस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और यस, आप अपने डाउट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, आईडी है कविता मैसी, या फिर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? देखो, बिजनेस अगर मैं इसके मतलब वर्ड को देख के बोलूँ कि क्या मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप बोलोगे भाई बिजनेस को ऑपरेट करने पर होने वाले प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिजनेस को चलाने पर होने वाले प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन बिजनेस को चलाने पर हमें बहुत सारे ऐसे भी प्रॉफिट हो जाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे बट हो गए। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका काम है, लाइक आपका बिजनेस है कपड़े बेचने का, तो कपड़े बेचकर जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, राइट? अगर आपका काम है फर्नीचर बेचने का, अगर आप फर्नीचर बेचकर प्रॉफिट कमाते हो तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपका कपड़े बेचने का काम है और आपने अपने बिजनेस का पुराना फर्नीचर बेचा और उसमें प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा? नहीं, वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि बिजनेस उससे नहीं चलता लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो हमारी, उसमें हमारी कोई डीलिंग नहीं है। तो अब ये कंसेप्ट तो आपको पता चला कि बिजनेस में गाइस सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम ही नहीं होती, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, और इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं? लाइक अगर आपका सामान चोरी हो गया बिजनेस में, मतलब ये हमारा काम तो नहीं था ना चोरी होना, लेकिन हो गया, दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है? तो हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या चीजें होती हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, हमें नॉन ऑपरेटिंग से इसमें कोई रिलेशन नहीं है, हम उन्हें कंसीडर नहीं करते, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमें फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी देखो, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको सेल आप सेल देते हो गाइस, उसमें सेल में से हम कॉक्स माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, कौन से होते हैं? सैलरी, रेंट, सेल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो बिजनेस को चलाने पर होते हैं, तो हम उन्हें यहाँ लिखते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट में से, आपको क्या लेस करना है गाइस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करना है, ठीक है? तो आपका आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये तो एक 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 फॉर्मूला ये आपको गिवन है, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग यानी कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ना सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाते हैं, इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिखाते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दिखाते हैं, ठीक है? लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कहता है कि भैया नॉन का कोई रिलेशन नहीं है मेरे साथ, यानी कि नॉन को मेरे अंदर मत इंक्लूड करो, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरे में मत ऐड करना और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे में से मत लेस करना, ठीक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कहता है। तो अगर हम लोग नेट प्रॉफिट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए थे, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया था, तो हमने उसमें एडजस्टमेंट करी थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करे थे, तो उन्होंने बोला मत करो, तो हमने उसे ऐड बैक कर दिया, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमने ऐड करी थी उसे लेस कर दिया, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो सेकेंड फॉर्मूला आपका जो बनता है वो है रिवर्स जाने वाला, जिसमें आप नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस जो आपने लेस करे थे नॉन ऑपरेटिंग वो ऐड बैक करते हो, और जो इनकम नॉन ऑपरेटिंग आपने ऐड करी थी वो लेस करते हो। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करके, नेट प्रॉफिट गिवन है तो आपको रिवर्स जाना है। थर्ड फॉर्मूला जो होते हैं गाइस वो होते हैं अगर हमें सेल गिवन है, तो सेल तो हमारी डायरेक्टली इनकम होती है यानी कि जिसमें हम डीलिंग करते हैं, तो हमें नॉर्मली उसमें से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर देनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि ये इधर से निकलने वाला कॉक्स
प्लस यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। यानी कि मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह कितने के पड़े प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के पड़े, वो मेरी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर्मूला बहुत आसान सा है, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि सामान बेचने पर डायरेक्टली खर्चा कितना आया और बिजनेस चलाने पर इनडायरेक्ट खर्चा कितना आया, तो दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। अब मैंने अगर 5 लाख का माल बेचा, 5 में से मेरे 2 लाख रुपए कॉक्स बैठी और 1 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैठा, तो 3 लाख माइनस कर देंगे तो 5 - 3 2 लाख मेरा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसको कैसे समझें, जो बिजनेस को चलाने पर प्रॉफिट होता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, जिसमें हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नहीं देखना, नहीं इंक्लूड करना और ना ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो ये कंसेप्ट होता है गाइज कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सेकेंड चीज गाइज, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है और आपको सेल और कॉक्स गिवन है ना, तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉक्स करके तो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हो, सेल्स माइनस कॉक्स। ठीक है, अब ये तो हो गया कंसेप्चुअल नॉलेज। अब इसके साथ साथ एक फॉर्मूला, मतलब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ताकि हमारे कंसेप्ट और मजबूत हो सके। हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट के साथ साथ हमें डिविडेंड रिसीव्ड गिवन है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है गाइस। ठीक है, यानी कि ये हमारा नॉर्मली बिजनेस रूटीन का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहीं पर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी और हमें इनकम हो गई। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हर रोज तो हमें नहीं होता। लॉस बाय फायर भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरीज हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, ये बिजनेस को चलाने पर नहीं होता है, बल्कि हमने लोन ले रखा है तो ही हमें करना पड़ता है। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसके अलावा डोनेशन भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, अब यहाँ नॉन डोनेशन सॉरी हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि हम पे करते हैं ना, तो ये एक्सपेंस है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि नॉन कौन सा है और ऑपरेटिंग कौन सा है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकम कौन सी एक्सपेंस कौन सा है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ गाइज, देखो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, तो आपको पता है नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, नेट प्रॉफिट में हमें प्लस कर देना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सबसे पहले हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं कि हमारे टोटल है कितने। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे देखो, एक तो है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो कि है 12,000 का, लॉस बाय फायर है 50,000 का, प्लस इसके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक है 10,000। ठीक है, इसके साथ डोनेशन भी है हमारी 5,100। तो टोटल एक्सपेंस हमारे कितने हो गए, 60, 70 and 77 100 रुपीज के। इसके साथ साथ अब हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल गए, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी निकल जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलती है गाइस, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी इनकम हो गई, लाइक जैसे डिविडेंड रिसीव हो गया हमें 6,000 का, रेंट रिसीव्ड हो गया हमें 24,000 का, इसके अलावा बस और कोई नहीं है। तो 6 + 24 हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई 30,000 की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक्सपेंस पता चल गए, नॉन ऑपरेटिंग और इनकम। सैलरीज गाइस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस को चलाने पर पे करनी होती है। तो अब हमें क्या करना है, 5 लाख में हमें अपने एक्सपेंसेस को प्लस करना है जो कि है 77,100, इनकम को माइनस करना है 30,000। तो हमारा जो आंसर आएगा ये होगा 47 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5,47,100 का ऑपरेटिंग, जिसे प्रॉफिट हम लोग कहेंगे। तो गाइस सबसे पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना सही से आना चाहिए। अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो इट मींस इसमें ऑलरेडी सेल की एडजस्टमेंट हो रखी है। यहाँ पे कहीं पर भी सेल के अलावा जो भी आपकी चीज़ें हैं वो नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग इनकम का नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको रेंट रिसीव्ड हो गया, दैट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये आपका काम नहीं था बट आपको मिल गया, राइट। तो गाइस इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। एंड आई होप सो गाइज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर। थैंक यू।